सोनिया गांधी को ईडी के समन के बाद पूरे देश में आज कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है। देहरादून के अगर आप ईडी कार्यालय पर देखेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वो ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है जहां पर ये विरोध अपना कांग्रेस दर्ज कर रही है और जिस तरीके से ईडी द्वारा सोनिया गांधी को बुलाया गया है उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस वक्त भाजपा सरकार जो है उत्पीड़न करने का काम कर रही है। तो ये अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं पूरे देश से आज कांग्रेस की देखने को मिल रही हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम लोग इस तरीके का प्रदर्शन करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरीके से ईडी के द्वारा पहले राहुल गांधी को बुलाया गया उसके बाद सोनिया गांधी को बुलाया गया ये गलत है। और देखिए किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ईडी कार्यालय के घेराव के लिए आए थे और इस वक्त ईडी कार्यालय के ऊपर चल रहे हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद यहां पर मौजूद हैं जो कि हालांकि पुलिस बल भी तैनात है, पहले से पुलिस बल को भीतर तैनात किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। ऐसे में क्योंकि पहले ही ये संभावना थी कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से जब कार्यालय का घेराव करेंगे तो यहाँ पर ईडी दफ्तर के अंदर जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा खुद इस वक्त जो है ऊपर चल रहे हैं जो कि यहाँ पर जा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम तमाम बात करें तो और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो भी इस वक्त यहाँ पर ईडी दफ्तर के ऊपर जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में जो तमाम जो कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और जो विरोध प्रदर्शन है उसको कांग्रेस कहीं ना कहीं उग्र करना चाहती है। तो इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर लगातार इस तरीके की कार्यवाही चल रही है। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से आप इसे देखिए बार बार ये हो रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में वो जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखा रहे हैं, उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनको इंक्वायरी के लिए बिठाया जा रहा है। और जो लोग करप्ट हैं उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो लोग भाजपा ज्वाइन कर दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर कोई ईडी कोई सीबीआई की जांच जो खुली भी थी वो भी बंद हो गई है। तो हम लोगों का ये है कि बार बार हमारे नेताओं को हमारे लीडरशिप को परेशान करने बंद कीजिए। ईडी और सीबीआई के डर से कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरने वाले। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी और सीबीआई का भाजपा इस्तेमाल कर रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपने इस प्रदर्शन को पूरे देश में उग्र करना चाहती है। यही वजह है कि आज देश के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर भाजपा पर उत्पीड़न का आरोप कांग्रेस लगाती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।